नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सोमवार को सहारनपुर महानगर के दिल्ली रोड स्थित बैंकेट हॉल में ग्राम प्रधानों की समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय पंचायत परिषद प्रधान संगठन के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक जाधव ने कहा कि आज सरकार जिस प्रकार से ग्राम प्रधान को माध्यम बनाकर विकास कार्य करा रही है, लेकिन उनकी दशाओं पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हर कर्मचारी, अधिकारी, आमजन ग्राम प्रधान का उत्पीड़न कर रहा है, जिसे संगठन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि कोई भी ग्राम प्रधान अपने सचिव के दबाव में आकर कतई कार्य ना करे और कोई ऐसा कार्य भी ना करे जिसका भविष्य में आपको गाँव में विरोध झेलना पड़े। इस दौरान संगठन के जिला अध्यक्ष अनुज मद्दुगी ने ग्राम प्रधान को साहस बढ़ाते हुए कहा कि यदि किसी ग्राम प्रधान के साथ उत्पीड़न हो रहा है तो वह जिला स्तर पर अवगत कराए, जिसको संगठन सहन नहीं करेगा। कार्यक्रम में जनपद के करीब 800 ग्राम प्रधान मौजूद रहे। संगठन के अध्यक्ष के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों की समस्याओं संबंधी 11 सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम मुख्य विकास अधिकारी विजय कुमार को सौंपा गया। पूरे जिले के सभी सम्मानित उन्होंने मेरी एक आवाज 884 प्रधानों से करीबन 750 पहुंचने का काम हुआ। यह आज जो सम्मेलन हुआ प्रधानों के उत्पीड़न के लिए, प्रधानों की अनेक समस्याएं, अनेक समस्याओं के लिए जो प्रधान शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा जो प्रधानों का उत्पीड़न किया गया, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। भविष्य के लिए हमने आज अपनी रणनीति बनाई। हमने माननीय जो मुख्यमंत्री द्वारा, कविंद्र साहब द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे, उसमें हमारे जो मेल मेल बिंदु जो समस्या है प्रधानों को उससे हम अवगत कराएंगे। अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो हम जिले में कार्य का बहिष्कार करेंगे और जो दिशा निर्देश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में होगा उसे हम पूरा करने का काम करेंगे। और हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, गाँव के विकास में जो कटौती हुई है, गांव के विकास का जो पैसा आता था उसमें सरकार ने 70% तक की कटौती कर दी गई है। अगर वो पैसा सरकार ने प्रधानों को वापस नहीं दिया, ग्राम पंचायतों को वापस नहीं किया, तो हो सकता है कि अगले चुनाव तक हम लोग संगठन को मजबूत करके सरकार को हटाने की भी घोषणा कर सकते हैं। तो हम प्रधान साथी इस काम को करते हैं। प्रधान साथी जो मांगे हैं उन्हें हमारे जिलाध्यक्ष जी फिर से आपको बताएंगे कि जो मांगे हैं हमारे उचित मांगे हैं वो सरकार को मान लेनी चाहिए। उसके लिए हम लोग पूरे देश में पंचायत जागरण रथ यात्रा का आयोजन कर रहे हैं, जो हमारा 2 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर से शुरू होगा, कन्याकुमारी तक जाएगा और ये रथ यात्रा हमारी 3 महीने तक पूरे देश में चलेगी, जो 12,000 किलोमीटर कवर करेगी। और हर राज्य में होती हुई केवल चलो गांव की ओर सरकार को जगाने के लिए कि गांव का जो शोषण हो रहा है उसे खत्म करने के लिए सरकार की निगाह गाँव की ओर हो। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।